बेअदबी मामले दे विच कर्फर तो वड्डी खबर सामने आ रही है। सो मुलजम तो गवाह बने प्रदीप कुमार दी जान नूं खतरा है जिहा दावा किया जा रहा है, जिस नूं लैके हाई कोर्ट दे विच प्रदीप कुमार दे वल्लों पटीशन दायर की गई है, जिस दे विच कहा गया है कि हुण उसकी जान नूं खतरा है। सो बेअदबी कांड दे मुलजम प्रदीप कुमार जिसके बयान दे उत्ते डेरा मुखी नूं इस मामले दे विच नामजद किया गया सी, हुण उसने कहा है कि बुड़ेल जेल दे विच उसकी जान नूं खतरा है। इत्थे ओह हुण पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके बुड़ेल जेल दे विच उसकी सुरक्षा वधाउण दी मंग कीती गई है। इस मामले दे विच हुण हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन नूं नोटिस जारी करके जवाब भी मंगिया है। सो काबिले गौर है कि इस तों कुछ दिन पहला ही प्रदीप कुमार की पत्नी अते बेटी ने भी हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल करके डेरे दे विच अपनी जान नूं खतरा दस्सिया सी, जिस मगरों हरियाणा की सरकार दे वल्लों उन्हां नूं सुरक्षा प्रदान की गई है। फिलहाल प्रदीप कुमार ने अपनी पटीशन दे विच दस्या है कि बेअदबी कांड दे एक होर मुलजम महेंद्रपाल बिट्टू दा साल 2019 दे विच नाभा हाई सिक्योरिटी जेल दे विच साथी कैदियों दे वल्लों कतल कर दिता गया सी। इस कारण उसनूं डर है कि जेल दे विच उसदा भी इस तरीके दे नाल कतल हो सकदा है, इसदे लई बुड़ेल जेल दे विच ही उसकी सुरक्षा दे विच वादा किया जाए, अजिही पटीशन दायर की गई है। पर फिलहाल हाईकोर्ट की गल करें तो हाईकोर्ट ने हुण प्रदीप की पटीशन के उत्ते चंडीगढ़ प्रशासन को 20 मार्च के लिए नोटिस जारी करके जवाब मंगया। बेअदबी मामले दे विच कर्फर तो वड्डी खबर सामने आ रही है। सो मुलजम तो गवाह बने प्रदीप कुमार की जान नूं खतरा है जिहा दावा किया जा रहा है, जिस नूं लैके हाई कोर्ट दे विच प्रदीप कुमार दे वल्लों पटीशन दायर की गई है, जिस दे विच कहा गया है कि हुण उसकी जान नूं खतरा है। सो बेअदबी कांड दे मुलजम प्रदीप कुमार जिसके बयान दे उत्ते डेरा मुखी नूं इस मामले दे विच नामजद किया गया सी, हुण उसने कहा है कि बुड़ेल जेल दे विच उसकी जान नूं खतरा है। इत्थे ओह हुण पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके बुड़ेल जेल दे विच उसकी सुरक्षा वधाउण दी मंग कीती गई है। इस मामले दे विच हुण हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन नूं नोटिस जारी करके जवाब भी मंगिया है। सो काबिले गौर है कि इस तों कुछ दिन पहला ही प्रदीप कुमार की पत्नी अते बेटी ने भी हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल करके डेरे दे विच अपनी जान नूं खतरा दस्सिया सी, जिस मगरों हरियाणा की सरकार दे वल्लों उन्हां नूं सुरक्षा प्रदान की गई है। फिलहाल प्रदीप कुमार ने अपनी पटीशन दे विच दस्या है कि बेअदबी कांड दे एक होर मुलजम महेंद्रपाल बिट्टू दा साल 2019 दे विच नाभा हाई सिक्योरिटी जेल दे विच साथी कैदियों दे वल्लों कतल कर दिता गया सी। इस कारण उसनूं डर है कि जेल दे विच उसदा भी इस तरीके दे नाल कतल हो सकदा है, इसदे लई बुड़ेल जेल दे विच ही उसकी सुरक्षा दे विच वादा किया जाए, अजिही पटीशन दायर की गई है। पर फिलहाल हाईकोर्ट की गल करें तो हाईकोर्ट ने हुण प्रदीप की पटीशन के उत्ते चंडीगढ़ प्रशासन को 20 मार्च के लिए नोटिस जारी करके जवाब मंगया। बेअदबी मामले दे विच कर्फर तो वड्डी खबर सामने आ रही है। सो मुलजम तो गवाह बने प्रदीप कुमार की जान नूं खतरा है जिहा दावा किया जा रहा है, जिस नूं लैके हाई कोर्ट दे विच प्रदीप कुमार दे वल्लों पटीशन दायर की गई है, जिस दे विच कहा गया है कि हुण उसकी जान नूं खतरा है। सो बेअदबी कांड दे मुलजम प्रदीप कुमार जिसके बयान दे उत्ते डेरा मुखी नूं इस मामले दे विच नामजद किया गया सी, हुण उसने कहा है कि बुड़ेल जेल दे विच उसकी जान नूं खतरा है। इत्थे ओह हुण पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके बुड़ेल जेल दे विच उसकी सुरक्षा वधाउण दी मंग कीती गई है। इस मामले दे विच हुण हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन नूं नोटिस जारी करके जवाब भी मंगिया है। सो काबिले गौर है कि इस तों कुछ दिन पहला ही प्रदीप कुमार की पत्नी अते बेटी ने भी हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल करके डेरे दे विच अपनी जान नूं खतरा दस्सिया सी, जिस मगरों हरियाणा की सरकार दे वल्लों उन्हां नूं सुरक्षा प्रदान की गई है। फिलहाल प्रदीप कुमार ने अपनी पटीशन दे विच दस्या है कि बेअदबी कांड दे एक होर मुलजम महेंद्रपाल बिट्टू दा साल 2019 दे विच नाभा हाई सिक्योरिटी जेल दे विच साथी कैदियों दे वल्लों कतल कर दिता गया सी। इस कारण उसनूं डर है कि जेल दे विच उसदा भी इस तरीके दे नाल कतल हो सकदा है, इसदे लई बुड़ेल जेल दे विच ही उसकी सुरक्षा दे विच वादा किया जाए, अजिही पटीशन दायर की गई है। पर फिलहाल हाईकोर्ट की गल करें तो हाईकोर्ट ने हुण प्रदीप की पटीशन के उत्ते चंडीगढ़ प्रशासन को 20 मार्च के लिए नोटिस जारी करके जवाब मंगया है।